की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा मेरे एक करीबी के जरिए मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया, बीजेपी ज्वाइन ना करने पर गिरफ्तारी की धमकी दी गई। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा ऑफर देने वालों का नाम बताएं आतिशी, कहा सिसोदिया सत्येंद्र जैन से इस्तीफा लिया तो केजरीवाल का इस्तीफा क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों और मंत्रियों ने अरविंद केजरीवाल पर जताया भरोसा, कहा वही बने रहेंगे सीएम, सुनीता केजरीवाल से मिलकर अपना पक्ष रखा। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा चार और मंत्रियों को जेल में डालने की साजिश रची जा रही है, इसीलिए मेरा और सौरभ का नाम उछाला जा रहा है, जबकि ये बयान डेढ़ साल पहले से चार्जशीट में। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम लेकर उनको मुख्यमंत्री के रेस से बाहर किया, अपनी पत्नी का दावा मजबूत कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा रामलीला मैदान में जुटी भीड़ देखकर बीजेपी के होश उड़ गए हैं, बीजेपी हमको डराकर शासन करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, कहा कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू करने वाले अब खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, पिछले 6 महीने से जेल में बंद थे संजय सिंह, आम आदमी पार्टी ने बताया बड़ी जीत। मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, जमानत के लिए उनके वकील ने रखी दलीलें, अब 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस ने 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, किशनगंज से मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर, भागलपुर से अजित शर्मा को टिकट दिया। रुद्रपुर में पीएम मोदी का रोड शो, बड़ी तादाद में आए समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में रुद्रपुर से की प्रचार अभियान की शुरुआत, पार्टी उम्मीदवार अजय भट्ट के समर्थन में रैली। पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड के लोगों की तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा, मोदी की गारंटी का मतलब उसके पूरा होने की गारंटी से है। उत्तराखंड के बाद राजस्थान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोटपुतली में जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम 6 बजे बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे प्रधानमंत्री, जीत का देंगे मंत्र। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने किया नामांकन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद, कहा यूपी की 80 सीटें जीतेंगे। मंडी में जारी है कंगना रनौत का धुआंधार प्रचार, शिवाबदार में उमड़ी लोगों की भीड़, इलाके के संसदीय सीट प्रभारी और विधायक भी प्रचार में शामिल रहे। सारण के रण में रोहिणी आचार्य का चुनावी शंखनाद, मेगा रोड शो कर किया जनसंपर्क अभियान का आगाज, कहा बिहारवासियों का मिलेगा आशीर्वाद। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा लालू यादव का परिचय ही परिवारवाद है, कहा लालू यादव ने 2 बेटे और 2 बेटियों को चुनाव में उतारा, बाकी 5 बेटियों को कब उतारेंगे। सोनपुर में रोड शो के दौरान रोहिणी आचार्य ने कहा मैंने तो अपने पिताजी को केवल किडनी दी है, लेकिन सारण की जनता के लिए मेरी जान न्यौछावर। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद कांग्रेस में हुए शामिल, राहुल गांधी का आभार जताते हुए कहा बीजेपी से कहा गया वोट आपकी वजह से नहीं मिला, मुझे इनका अहंकार तोड़ना है। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाना और उन्हें जेल भेजना लोकतंत्र और देश के लिए अच्छा नहीं। कर्नाटक में बड़ी बीजेपी की परेशानी, धारवाड़ से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ खड़ा हुआ लिंगायत मठ, कहा उम्मीदवार बदलो नहीं तो बीजेपी को नहीं मिलेगा लिंगायतों का वोट। कर्नाटक में पार्टी के अंतर्कलह के बीच अमित शाह का दौरा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक, नाराज चल रहे केएच ईश्वरप्पा को बुलाया दिल्ली। बेंगलुरु में अमित शाह की रैली, कहा एक तरफ मोदी जी हैं जिन पर आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी दलों का इंडिया गठबंधन। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने चाय बनाकर अपने चुनावी अभियान का आगाज किया, कहा जिसने गरीबी देखी वही इस देश को चला सकता है। जेडीयू का इलेक्शन कैंपेन का गाना हुआ जारी, वीडियो सॉन्ग में नीतीश कुमार के विकास के बिहार को दिखाया गया। चुनावी घमासान के बीच समीकरणों को साधने में जुटे सियासी दल, कांग्रेस ने अखिलेश यादव को दिया लखनऊ दफ्तर में आने का न्योता। लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं है अखिलेश यादव, सूत्रों के मुताबिक कन्नौज से अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट देने पर हो रहा है विचार। 3 अप्रैल को वायनाड से राहुल गांधी करेंगे नामांकन, केरल की 20 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी के बजाय सीपीआई उम्मीदवार से मुकाबला कर रहे हैं राहुल गांधी। मुरादाबाद से एसपी नेता एसटी हसन का टिकट कटने पर छलका दर्द, बोले आरएसएस बीजेपी की साजिश के चलते कटा टिकट, पार्टी के कोर वोटर खफा, रुचिवीरा के प्रचार में शामिल नहीं होंगे।
भ्रामक विज्ञापन के मामले में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे पर जताया असंतोष, अगले हफ्ते फिर से सुनवाई। दिल्ली में चल रही नेशनल खो खो चैंपियनशिप का समापन, 28 मार्च को शुरू हुई चैंपियनशिप का 3 दिन तक कर्नल सिंह स्टेडियम में आयोजन किया गया था। नवी मुंबई की केमिकल कंपनी के कंपाउंड में आग लगी, आसमान तक उठती दिखी लपटें, आग बुझाने का काम जारी। कानपुर के कबाड़ गोदाम में लगी भयंकर आग, धू धू कर जल उठा सारा सामान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में अंग्रेजों के जमाने का ट्रेन पुल गिरा, हादसे में 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल।